अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लजीज रेसिपीज। आज हम बनाने वाले हैं मलाई ब्रेड रोल, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। मलाई ब्रेड रोल बनाने के लिए हम सबसे पहले इस बाउल में ये मलाई निकाल लेंगे। ये दूध के ऊपर जो मलाई जमी होती है, हमने हाफ कप मलाई ली थी, इसे इस बाउल में निकाल लिया है। साथ में हमने ये हाफ कप फ्रेश क्रीम भी लिया है, इसे भी हम इस बाउल में डाल देंगे। हाफ कप हमने ये कंडेंस मिल्क लिया है, ये मिठास के लिए हमने लिया है, इसे भी हम मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। कंडेंस मिल्क आपको जितना मीठा पसंद है उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। हमने ये 15 बादाम लिए, इसे इस तरह बारीक चॉप किया, इसे भी हम डाल देंगे। 15 हमने काजू भी लिए, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और 15 से 20 हमने ये पिस्ता लिए, इसे भी हम मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसको ब्रेड पर लगा लेंगे। हमने ये 8 से 10 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इसके कॉर्नर्स को कट कर लिया है। अब हम ब्रेड को थोड़ा बेल लेंगे। इसे थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। ब्रेड को फ्लैट करने के बाद हम ये मलाई और ड्राई फ्रूट का मिक्सचर इस पर इस तरह फैला लेंगे। इसको सिंपली इस तरह से रोल कर लेंगे। सारे ब्रेड्स को हम इसी तरह से रोल कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा मिक्सचर है उसे हम निकाल लेंगे। मलाई ब्रेड रोल को हमने चांदी वर्क और कंडेंस मिल्क से गार्निश किया है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।